Friends, we are here with the video number 7 in the series Mission Izzat 2018. In this video, we will cover some static current affairs, computer aptitude, banking awareness, as well as some questions from the insurance section. So friends, very good afternoon. Welcome to your own channel, The Humble Guy. Let's begin. So the first question is, recently Indian government has announced the merger of BOB, Vijaya and Dena Bank. After merger, it will be India's third largest bank, which is the largest bank of India. It is State Bank of India's second largest bank is HDFC. What will be the net NPA, that is non-performing assets, of the new entity formed after the merger of these three banks? Answer is 5.71%, 5.71%. Pratishat, what is the expanded form of DAC? DAC matlab Defense Acquisition Council. Kya karti hai ye? Maan lijiye, Air Force, Army, Navy. Inke liye kuch आपको हथियार खरीदने हैं, जहाज खरीदने हैं, तोप खरीदने हैं, तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के परमिशन जरूरी है। इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? वो होते हैं डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण, एंड शी इज अ राज्यसभा मेंबर फ्रॉम विच स्टेट? शी इज अ राज्यसभा मेंबर फ्रॉम कर्नाटका। 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू, ये जिसमें भी कंप्यूटर एप्टीट्यूड है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है कि 1 किलोबाइट इज इक्वल टू मेगाबाइट, टेराबाइट। ठीक है, ये कन्वर्शन जो नेक्स्ट स्लाइड में है आप देख लीजिएगा। And who is the current MD and CEO of Yes Bank? Rana Kapoor. जो भी questions पूछे जाते हैं आप ये देखिएगा कि वो जरूर news में रहते हैं, इसलिए पूछे जाते हैं। तो Rana Kapoor अभी news में इसलिए कि board members ने इनको permission दे दी थी अगले 3 years के लिए, लेकिन RBI का कल का फरमान है कि नहीं, you have to step down from your position by 31st January 2019. So Yes Bank के MD and CEO Rana Kapoor. ये देखिए, ये आ गया, ये जरूर आप देख लीजिए, ये question बहुत important है computer aptitude के point of view से। इसके बाद, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक? चरण सिंह। न्यूज में क्यों है? देखिए, 10 बैंकों के हेड्स चेंज किए गए हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, उसमें चरण सिंह इसलिए न्यूज में है कि ही इज द फर्स्ट नॉन सिख चेयरमैन ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। हु इज द करंट एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र? AS राजीव, क्योंकि जो इनके रविंद्र मराठे साहब थे उनका कुछ फ्रॉड के केस में नाम आया था और जून जुलाई में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और अभी फिलहाल AS राजीव को बनाया गया है इनका परमानेंट एमडी एंड सीईओ। In which city did Prime Minister Modi lay the foundation stone of India International Convention and Expo Center? ये एक world class expo center है जहां सारी facilities available होंगी और इसका ये बिल्कुल current news है, आज ही प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे या foundation stone ले करेंगे। ये New Delhi में है। Caps lock and numeral lock, मतलब चलते हैं computer की तरफ। Caps lock and number lock keys are example of toggle keys। ये हो गए toggle keys, caps lock, toggle क्यों? Toggle मतलब क्या होता है? एक बार बंद किया फिर आपने दूसरा किया, दूसरी बार बंद किया फिर ये, ठीक है। और एक टाइप का की क्या होता है? मॉडिफायर की। मॉडिफायर इसे कंट्रोल के हुए, कंट्रोल प्लस समथिंग करके मॉडिफाई कर सकते हैं, अल्ट प्लस समथिंग करके मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कंट्रोल अल्ट, दे आर एग्जांपल ऑफ मॉडिफाई की। रीसेटिंग द कंप्यूटर विच इज ऑलरेडी ऑन इज नोन एज, पिछली बार का ये क्वेश्चन है, अगर कंप्यूटर ऑन है आप रीसेट करते हैं तो दैट इज नोन एज वार्म बूट। तो कोल्ड बूट क्या होगा? कंप्यूटर बिल्कुल ऑफ है तब आप उसको ऑन कर रहे हैं तो दैट इज कोल्ड बूट। अंतर समझिए। What is the shortcut for selecting all the text in MS Word? एक आज shortcuts, एक या दो question तो जरूर आने हैं RRB PU, RRB Clerk और NISCL में, और उसमें से एक आज तो बहुत आसान रहेगा, Control A, Control J, Control B, Control B, Control E, इस तरह के। तो Control A use होता है to select all the text in Microsoft Word. The ability of a computer to do different types of work simultaneously is known as, तरह तरह के काम जिसको हम commonly multitasking बोलते हैं, इसको कहते हैं versatility। जैसे आपने सुना भी होगा, he is a versatile actor, he is able to perform different type of roles, ठीक है। मैं computer के बारे में आपको बता दूं, आप जितना भी पढ़ लीजिए उसमें तकरीबन 8 से 10 question ऐसे होंगे जो कि आपको common sense से answer देना होगा, ठीक है। Moving on, the computer is free from tiredness, monotony and lack of concentration. This ability is known as, आप थक जाते हैं, आप जैसे थोड़ा सा आपने क्वांट की कोई टॉपिक ले ली, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा पढ़ा आपने, एक आध घंटे बाद थक जाते हैं, आपको एक ब्रेक चाहिए, ठीक है, इट्स बट नेचुरल बिकॉज वी आर ह्यूमंस। लेकिन कंप्यूटर इज अ मशीन, वो ना थकता है, ना उसको मोनोटोनी होती है, ना उसका दिमाग कहीं भटकता है। दिस एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज डिलीजेंसी, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें मुझे और याद आ रहा है कि ऐसा आ सकता है कि मतलब जैसे ही हमने कुछ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डाला वो तुरंत प्ले होने लगा, तो दैट इज कॉल्ड प्लग एंड प्ले ability of the computer, ठीक है। उसके बाद, the word computer has been derived from which language? It is derived from the Latin language. First generation computers were based on vacuum tubes. अगर computer की आप बात करें तो generation of computers जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है, memory पढ़ लीजिए, फिर
OSI मॉडल पढ़ लीजिए, ठीक है, ये सब टाइप ऑफ प्रिंटर्स पढ़ लीजिए, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस. विच सेमी कंडक्टर इज एक्सटेंसिवली यूज इन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप ऑफ अ कंप्यूटर, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे शॉर्ट में हम IC कहते हैं. द आंसर इज सिलिकॉन. देखिए सिंपल है, आपको ये भी याद होगा अगर आप नॉन IT बैकग्राउंड से भी हैं, कहीं भी सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं, चाहे वो इंडिया का हो या अमेरिका का हो, सिलिकॉन वैली जहां पर कंप्यूटर का हब हो, ठीक है, ये सिलिकॉन नाम यहीं से आया है. सिलिकॉन इज अ सेमी कंडक्टर. द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर इज टू कन्वर्ट डेटा इंटू इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो हम यूज कर सकें. दैट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर. लार्जेस्ट की ऑन द कंप्यूटर कीबोर्ड इज स्पेस बार. पिछली बार का एक सवाल आपको बताता हूं, उसमें ये आया था कि इन अ कीबोर्ड टोटल कितने कीज होते हैं. आई थिंक टोटल कीज नहीं, उन्होंने शायद वो नमलॉक वाला जो होता है उसमें पूछे थे, तो टोटल 17 कीज होते हैं शायद, और वो काउंट करके भी लोगों ने गलत लिख दिए, ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. अ डिवाइस दैट मेक्स कॉपीज एंड रिप्रोड्यूसेस टेक्स्ट एंड इमेजेस इज कॉल्ड. इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. इसका आंसर जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए. ट्रैक बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, ट्रैक बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस. Which is the smallest measuring unit in computer field? The answer is bit. Bit stands for binary digit. Binary digit मतलब बाई मतलब दो. आपको पता है binary digit जो होता है, binary language, binary numbers, वो दो के base पे है, 0 and 1. 4 bits is equal to 1 nibble. और अगर ये आता है कि 2 nibbles is equal to, तो 1 byte हो जाएगा, ठीक है, it's common sense. The hexadecimal number system has a base of 16. इसमें क्या होता है hexadecimal system में, 0 से लेकर 9 यानी 10 हो गए नंबर्स, एंड ABCDEF 4 इसमें अल्फाबेट्स भी यूज होते हैं, तो टोटल 16. LIC दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाज नेशनलाइज्ड इन व्हिच ईयर? इट वाज नेशनलाइज्ड इन 1956. द मॉडल इन व्हिच इंश्योरेंस पॉलिसीज आर सोल्ड बाय बैंक्स इज नोन एज. आजकल के दिनों में, कुछ 2-3 सालों में आपने देखा होगा, बैंक में जब आप जाते होंगे कुछ लोन लेने, तो वो कहते होंगे कि आप ये इंश्योरेंस मैंडेटरी है, ठीक है, तो बैंक भी इंश्योरेंस क्रॉस सेलिंग बोलते हैं इसको. जैसे बैंक का काम नहीं है इंश्योरेंस सेल करना, लेकिन इसे क्रॉस सेलिंग कहते हैं. अगर आप दूसरा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो इस प्रोसेस को अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच रहे हैं, तो उसे बैंक का इंश्योरेंस कहते हैं. तो किसी किसी बैंक्स की तो खुद की ही इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे SBI लाइफ, और किसी किसी बैंक ने टाई अप कर रखा है दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज से. वॉट डज एल स्टैंड फॉर इन यूलिप? यूलिप प्लान आपने बहुत सुना होगा आस पड़ोस में, ठीक है, जो अर्न कर रहे हैं कि मैंने यूलिप में डाल दिया, ये डाल दिया. तो यूलिप मींस यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान. व्हाट डज द एब्रीविएशन HLV स्टैंड्स फॉर इन इंश्योरेंस सेक्टर? इट स्टैंड्स फॉर ह्यूमन लाइफ वैल्यू. हाँ, लोग पूछ रहे थे बैंकिंग आएगा कि नहीं NISCL में. आप ये देखिएगा, बैंकिंग अवेयरनेस में जो भी इंश्योरेंस से जुड़ी चीजें हैं, जैसे अटल ये अपना योजना, ठीक है, उसमें फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, फिर एक आपने देखा होगा आयुष्मान भारत, तो पूरा पढ़ी लीजिए. हाँ, फिर जो किसानों का फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ठीक है, ये सारा आप जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड है वो जरूर आप खासकर स्पेसिफिकली यू हैव टू रिमेंबर दोज फैक्ट्स एंड फिगर्स. व्हाट अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड? कल की न्यूज है ये, बाय द कैबिनेट ऑन 19 सितंबर फॉर डैम सेफ्टी एंड रिहैबिलिटेशन. आंसर इज 3466 करोड़. What is the present reverse repo rate? Banking exams में हमेशा chances हैं कि वो repo rate, reverse repo rate, CRR पूछ ही लेते हैं. तो यहाँ पर reverse repo rate जो current चल रहा है वो है 6.25%. हमेशा आपको बता दूं कि reverse repo rate is always less than repo rate. Repo rate present is 6.50%. Next, who is the author of the book Paradise Stars? ये आप 2-3 बार underline करके रख लीजिएगा, ठीक है? ये आप बड़े बड़े उसके भी देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है. ये 11th अक्टूबर को अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन है, उस दिन शायद ये रिलीज होगी बुक, ठीक है. एंड श्वेता नंदा इज द डॉटर ऑफ श्वेता नंदा बच्चन. आफ्टर मैरिज वो नंदा बन गई, तो शी इज द डॉटर ऑफ श्री अमिताभ बच्चन. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना? द आंसर इज बिहार. नीतीश कुमार जी ने इसका अभी लॉन्च करा था. इसमें क्या है कि एक गर्ल चाइल्ड को फ्रॉम बर्थ टिल ग्रेजुएशन सी विल बी गिवन 54,100 rupees assistance. What is the capital of Uzbekistan? ये countries हमेशा important रहते हैं country capitals में, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan. इसमें अभी important इसलिए है क्योंकि वहाँ पर श्री लाल बहादुर शास्त्री जो भूतपूर्व अपने प्रधानमंत्री थे उनका देहांत हो गया था, और सुषमा स्वराज जो हमारी external affairs minister है वो वहाँ गई थी श्रद्धांजलि देने के लिए अभी.
ताशकंद जो है वो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है. हु विल रिप्लेस इंदिरा नोई एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेप्सिको? द आंसर इज रैमोन लागोर्ता. शुभांकर शर्मा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? द आंसर इज गोल्फ. नाउ देखिए, हर वीडियो में वी विल टॉक अबाउट वन स्मॉल टॉपिक ऑफ इंश्योरेंस. ठीक है, जिन्होंने इंश्योरेंस कभी नहीं पढ़ा उनके लिए छोटे छोटे टर्म्स भी बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, तो इसमें पहले आप ये मान लीजिए इंश्योरेंस जो है वो क्यों करवाते हैं. इंश्योरेंस ये इसलिए करवाते हैं कि मान लीजिए भविष्य में कोई ऐसी घटना हो गई तो मैं वो चीज सह नहीं पाऊंगा. ठीक है, क्योंकि फ्यूचर इज मतलब अनसर्टेन, ये है इसका फंडा. तो अब इसमें दो चीज होता है, इंश्योरर और इंश्योर्ड. इंश्योरर कौन होता है? जैसे मान लीजिए आप गए LIC के पास, तो जो LIC है वो इंश्योरर हो गया, बिकॉज अ पार्टी ऑफ पर्सन डेट अंडरटेक्स टू पे द कंपनसेशन. सीधी सीधी भाषा में ये समझिए कि मान लीजिए कोई ऐसी घटना दुर्घटना हो गई तो जो आपको कंपनसेशन दे रहा है जो कंपनी, जो पार्टी, जो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंश्योरर हो गया. ठीक है, और इंश्योर्ड कौन हो गया? जो अपना इंश्योरेंस करा रहा है. सिंपल फंडा, अ पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन, अ पर्सन कवर्ड बाय द इंश्योरेंस. ठीक है, आज एक छोटा सा टॉपिक लेंगे साल्वेज का. ठीक है, साल्वेज में क्या है, एक एग्जांपल मान लीजिए, एक मिस्टर रमन है, उन्होंने अपने कार का इंश्योरेंस कराया. ठीक है, 3 लाख का, 3 लाख का इंश्योरेंस कराया और फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, मतलब कार को भी कुछ होगा तो वो उन्हें पैसा मिल जाएगा. तो अब मिस्टर रमन का क्या हुआ, अचानक वो कार खड़ी खड़ी, उसमें पता नहीं शॉर्ट सर्किट हुई या क्या हुई, उसमें आग लग गई और वो बिल्कुल नष्ट हो गया. उसके बाद जो मान लीजिए कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने इसका इंश्योरेंस करा था, वहां से उनके पर्सनल आएंगे, वो चेक करेंगे सही है सारा FIR सब कॉपी वॉपी चेक करेंगे. उसके बाद वो कहेंगे ठीक है आपका इतना का इंश्योरेंस था, ये सही है आपका, और ये चीज हम, ये मनी हम आपको पे कर देते हैं. वो कंपनसेशन उन्हें दे देंगे. जब वो कंपनसेशन उन्हें दे देंगे तो वो जो कार है, ठीक है जैसा भी है, वो मान लीजिए कार की वैल्यू 3 लाख थी, अब उसकी वैल्यू भले 10,000 हो गई है, सिर्फ लोहा लकड़ रह गया, जो भी, द इंश्योरेंस कंपनी, इन दिस केस न्यू इंडिया इंश्योरेंस, विल बी द ओनर ऑफ दैट कार. ठीक है, अब उस कार को वो कैसे भी बेचे, रद्दी में बेचे, ठीक है भंगार में बेचे, कैसे भी बेचे, वो बेच के जो उन्हें पैसा मिलेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड साल्वेज. ये क्वेश्चन पिछली बार NIA सेल में आया था, समझ गए. एक प्रॉपर्टी है वो खराब हो गई, चाहे वो घर हो, शिप हो, कार हो, उसके बाद वो इंश्योरेंस वाले आके सर्टिफाई हो जाते हैं, ठीक है ये जानबूझ के नहीं किया गया है, ये बट नेचुरल हो गया है, उन्हें वो कंपनसेशन देते हैं और वो प्रॉपर्टी फिर उनका हो जाता है. फिर उन्हें बेच के जो उस प्रॉपर्टी को बेच के, डिस्ट्रॉयड प्रॉपर्टी को बेच के जो सम मिलता है, दैट इज कॉल्ड साल्वेज. ये प्रोसेस को साल्वेज बोलते हैं. ठीक है, तो आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस, तो थोड़ा सा एमलगेमेशन हमने करा. होप यू विल लाइक आवर एफर्ट्स. ठीक है, लाइक करा तो काइंडली लोगों में शेयर कर दीजिए जो आपके फ्रेंड्स हैं. और कोशिश मैं आपको यही बताता हूँ, यही रहेगी कि हर दिन एटलीस्ट एक ऐसा कॉम्बो वीडियो आपके साथ लाते रहें. ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार एंड गुड बाय.